वेलकम टू अवर चैनल सिनेब्रिटी। रुबीना दिलैक को मिला नागिन 6 का ऑफर। बिग बॉस 14 का खिताब अपने नाम करने के बाद रुबीना दिलैक लगातार इंटरव्यू देने में व्यस्त है। इस बीच एक्ट्रेस को टीवी से जुड़े कई बड़े बड़े ऑफर्स भी मिल रहे हैं। बीते गुरुवार को ही रुबीना दिलैक का नया गाना मरजानिया रिलीज हुआ है, जिसमें वो अपने स्टार पति अभिनव शुक्ला के साथ नजर आई है। साथ ही जल्द ही रुबीना दिलैक रियलिटी शो बिग बॉस 13 में नजर आ चुके पारस छाबड़ा के साथ भी एक म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली है। हाल ही में खबर आई थी कि रुबीना दिलैक को खतरों के खिलाड़ी 11 के मेकर्स ने अप्रोच किया है। कलर्स के सुपरहिट सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की के नए सीजन में भी रुबीना दिलैक की एंट्री के चर्चे आम हो चुके हैं। रुबीना दिलैक अपने नए प्रोजेक्ट को चुनने से पहले अपना समय लेना चाहती है, ताकि वो अपने लिए सबसे बेस्ट ऑफर ही चुने, ताकि उनके फैंस को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिल सके। कई मीडिया रिपोर्टर्स में दावा किया जा रहा है कि रुबीना दिलैक टीवी क्वीन एकता कपूर के नागिन सीरीज में अगली नागिन बन सकती है। रियलिटी शो बिग बॉस 14 में एकता कपूर बतौर गेस्ट पहुंची हुई थी। इस दौरान एकता कपूर ने इच्छा जताई थी कि वो रुबीना दिलैक के साथ काम करना चाहती है। अगर नागिन सीरीज में रुबीना दिलैक के आने की खबर सही साबित होती है तो ये खबर उनके फैंस के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। आपको बता दें, रुबीना दिलैक ने जी टीवी के सीरियल छोटी बहू और कलर्स के शक्ति अस्तित्व एहसास की में लीड रोल अदा किया था। दोनों ही सीरियल्स की टीआरपी काफी अच्छी आई थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर रुबीना नागिन 6 का हिस्सा बनती है तो इसकी टीआरपी आसमान छूने लगेगी। वैसे आप नागिन 6 में रुबीना दिलैक को देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।